You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build a house for me. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be right back. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. तो दोस्तों, यदि आप एक फ्री फायर प्लेयर है तो इस केस में आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आप जब गेम प्ले करते हैं तो आपका गेम प्ले का स्क्रीन रिकॉर्ड करके कैसे आप उसका शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं, और शॉर्ट्स वीडियो बना लेने के बाद कैसे आप उस शॉर्ट्स वीडियो को यूट्यूब पे छोड़ के पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भाई लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉर्ट्स वीडियो बनाने का भी एक ही तरीका होता है। इसी के साथ दोस्तों, शॉर्ट्स वीडियो को YouTube पे अपलोड करने का भी एक सही तरीका होता है, जो कि आप सबको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। और एक चीज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका गेम प्ले जैसा भी हो, यदि आप उसे अच्छे तरीके से एडिटिंग कर लेते हैं तो ओपी लेवल का शॉर्ट्स वीडियो बनेगा। तो कैसे आप लोग सही तरीके से शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं और सही तरीके से कैसे आप लोग शॉर्ट्स वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आपके सामने है टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप जब गेम प्ले करेंगे तो आप अपना गेम प्ले का स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो बना लीजिएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जब गेम प्ले कर रहा था तो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो हमने यहाँ पे बना लिया है। तो स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो से अभी आप कैसे सही तरीके से शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं, चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई लोग, इसके लिए आपको अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिस ऐप को मैं पर्सनली अपने फोन में यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग करने के लिए, जिस ऐप का नाम है दोस्तों इनशॉट ऐप, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पे आसानी के साथ मिल जाएगा। तो इनशॉट ऐप ओपन करके यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस वीडियो का शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हैं उस वीडियो को आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे राइट बटन पे क्लिक करिएगा। तो अभी आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपने वीडियो का मतलब शॉर्ट्स वीडियो का साइज को चूज करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे कैनवास पे क्लिक करना है। तो भाई लोग, शॉर्ट्स वीडियो की साइज में आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो भाई लोग, आपको यहाँ पे 9:16 का जो साइज दिया गया है, इसी साइज पे ही दोस्तों आप लोगों को अपना शॉर्ट्स वीडियो बनाना है। तो इस वाले साइज पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करके इसका साइज आपको कुछ इस टाइप से, मतलब 9:16 के अंदर कुछ इस टाइप से आपको जूम कर देना है और एडजस्ट करके इसी फ्रेम के अंदर ही अपना वीडियो को बिठा देना है। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडजस्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों, अपना वीडियो का कलर कुछ इस टाइप से सही करना है। तो भाई लोग, आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से अपना वीडियो का कलर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे राइट बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि स्प्लिट, तो इसके माध्यम से आप अपना वीडियो का पार्ट कट कर सकते हैं। तो अभी आपको इस वाले ऑप्शन के माध्यम से क्या करना है कि आपके वीडियो के अंदर जहां पे आप फाइट वगैरह करेंगे उस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी का पार्ट को कट कर देना है और डिलीट कर देना है। जैसे कि भाई लोग, यहां पे डिलीट बटन दिया गया है, तो फालतू का जो पार्ट है उसे आप कट करके डिलीट मार दीजिएगा और जहां पे आप फाइट वगैरह करेंगे उसी पार्ट को ही आप इसके अंदर ले लीजिएगा। इसके अलावा इस ऐप के अंदर फर्स्ट में जो वीडियो आपने डाले है उस वीडियो के साथ यदि आप दूसरा वाला स्क्रीन रिकॉर्ड का वीडियो का पार्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस केस में आपको यहां पे वाले वीडियो के लास्ट में आना है और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी स्क्रीन रिकॉर्ड का पार्ट आप उस वीडियो के साथ ऐड करना चाहते हैं उस वीडियो को चूज करिएगा और यहाँ पे राइट बटन पे प्रेस करिएगा। उसके बाद फिर से आपको इस वाले वीडियो पे क्लिक करके इसका साइज को 9:16 कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद जूम करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर पे जा करके इसका कलर एडजस्ट कर लेना है कुछ पहले जो आपने किए हैं कुछ उस टाइप से ही। तो भाई लोग, शॉर्ट्स वीडियो आप जब बनाएंगे तब आपको एक बात ध्यान में रखना है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। तो भाई लोग, इस ऐप के अंदर वीडियो ऐड करने के बाद इसका कलर एडजस्ट करना है, इसका साइज 9:16 करना है। इसी के साथ दोस्तों, आपके वीडियो के अंदर जो मेन पार्ट है उसे काट करके एक साथ ऐड करना है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप अपने वीडियो के अंदर स्पीड मोशन या फिर स्लो मोशन करना चाहते हैं तो आप ये भी इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि भाई लोग, यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे स्पीड मोशन इसके अलावा स्लो मोशन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसका स्पीड बढ़ा दिया है, तो ऐसे में यहाँ पे प्ले करने पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरा वीडियो का मोशन स्पीड में हो चुका है। तो भाई लोग, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बस यहाँ पे सिंपल से एडिटिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि आप अपने तरीके से इस ऐप को यूज करते हैं
हैं तो ओपी लेवल का एडिटिंग आप लोग इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी ऐप के माध्यम से अच्छा एडिटिंग करने का एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों यदि आप इनशॉट ऐप के माध्यम से ओपी लेवल का एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको इनशॉट ऐप को ओपन करके किसी भी एक वीडियो को डाल के आपको ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन पे मतलब कौन से बटन पे कौन कौन सा काम हो रहा है। तो यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन से बटन पे कौन कौन सा काम होता है तो इस केस में आप ओपी लेवल का एडिटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों अपने वीडियो को अच्छे से एडिटिंग करने के बाद उसे और अच्छा बनाने के लिए क्या करना है कि आपको अपने वीडियो के अंदर एक सॉन्ग इसके अलावा म्यूजिक ऐड करना है। लेकिन भाई लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक इसके अलावा नॉन कॉपीराइट सॉन्ग ही यूज करना है, नहीं तो दोस्तों आप जब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तब आपको कॉपीराइट क्लेम मिलेगा, इसके अलावा टैग भी मिल सकता है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जो भी सॉन्ग इसके अलावा म्यूजिक यूज करेंगे तो वो नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। तो नॉन कॉपीराइट म्यूजिक आप सबको कहां पे मिलेगा? तो भाई लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि YouTube पे लाइब्रेरी पे ही आप लोगों को नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मिलेगा जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको यह नहीं पता है कि कैसे YouTube लाइब्रेरी से सॉन्ग इसके अलावा म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं तो इस केस में आप YouTube पे जाकर के सर्च कर सकते हैं कि YouTube लाइब्रेरी से सॉन्ग कैसे डाउनलोड कर रहे थे। इस केस में काफी सारे वीडियोस आप सबको देखने को मिलेगा जिस वीडियो को देखने के बाद आप YouTube के लाइब्रेरी से म्यूजिक ले सकते हैं। तो उसी म्यूजिक के ही दोस्तों आप अपने वीडियोस के अंदर यूज करिएगा। तो अपने वीडियो के अंदर म्यूजिक ऐड करने के लिए क्या करना है कि आपको इस वीडियो के फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने के बाद आपको यहां पे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है, उसके बाद यहां पे फिर से म्यूजिक पे प्रेस करना है और यहां पे माय म्यूजिक पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपके फोन में जो भी म्यूजिक आपने डाउनलोड किए होंगे वो आपके सामने दिखाया जाएगा। तो आप जिस भी म्यूजिक को यूज करना चाहते हैं उस वाले म्यूजिक पे प्रेस करिएगा और यहां पे यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो ऐसे में यहां पे नीचे म्यूजिक का लेयर आ चुका है, आप सब देख सकते हैं। तो इसका साउंड आप यहां पे घटा सकते हैं, इसके अलावा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉर्ट वीडियो बनाने के वक्त आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि दोस्तों आपने वीडियो को कभी भी एक मिनट से ज्यादा नहीं बनाना है, एक मिनट से एक सेकंड कम के बनाना है। तो भाई लोग आप 59 सेकंड का बना सकते हैं, इसके अलावा उससे कम सेकंड का भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप एक मिनट से ज्यादा का बना लेते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप जब YouTube पे शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करेंगे तब दोस्तों वो शॉर्ट्स में नहीं जाएगा, वो नॉर्मल वीडियो पे चला जाएगा एक मिनट से ज्यादा हुआ तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि आपने वीडियो को 59 सेकंड इसके अलावा उससे कम सेकंड में बनाना है। तो वीडियो बनने के बाद यहां पे सेव पे क्लिक करना है और यहां पे वीडियो रिजोल्यूशन पे 4K में ही रहने देना है। जैसे कि मान लो यहां पे काफी सारे ऑप्शन दिया गया है लेकिन आपको यहां पे 4K में ही अपना वीडियो को एक्सपोर्ट करना है और यहां पे नीचे फ्रेम रेट 30 FPS उसके बाद नीचे जो भी है उसे ही रहने देना है। उसके बाद यहां पे सेव पे क्लिक करना है। तो ऐसे में कन्वर्टिंग होने के बाद आपके गैलरी पे आपका वीडियो सेव हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहां पे मेरे गैलरी के अंदर मेरा वीडियो आ चुका है। तो ये था दोस्तों एक सही तरीका शॉर्ट्स वीडियो बनाने का, कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताया है वो बात ध्यान में रख के अपना शॉर्ट्स वीडियो को बनाना है। तो वीडियो अच्छे से बनने के बाद कैसे अभी आप उसे सही तरीके से YouTube पे छोड़ सकते हैं, चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई लोग इसके लिए आपके पास एक YouTube चैनल होना चाहिए। तो कैसे आप सही तरीके से अपने मोबाइल से ही YouTube चैनल बना सकते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप सबको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो YouTube पे अपना शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने के लिए क्या करना है कि सिंपली से आपको अपने फोन में अपने YouTube ऐप ओपन करना है, उसके बाद यहां पे इस लोगो पे क्लिक करना है और अपने चैनल के ईमेल आईडी से ही YouTube ऐप पे भी लॉगिन होना है। जैसे कि भाई लोग ये रहा मेरा एक ब्लॉग चैनल जिससे ही मेरा YouTube ऐप लॉगिन है। तो अभी आपको यहां पे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहां पे क्रिएट ए शॉर्ट्स पे क्लिक करना है। तो भाई लोग यदि आपका वीडियो 15 सेकंड से ज्यादा है मतलब 15 सेकंड से ज्यादा है तो इस केस में आपको यहां पे 15 सेकंड पे क्लिक करके इसे 16 सेकंड पे कर देना है। उसके बाद यहां पे गैलरी वाले आइकन पे क्लिक करना है और अपना वीडियो को चूज कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मेरा वीडियो यहां पे आ चुका है जो कि 59 सेकंड का है। तो वीडियो लेने के बाद आपको यहां पे राइट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे मेन काम करना है। तो अभी आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों यहां पे बताया गया है कि कैप्शन योर शॉर्ट। तो भाई लोग आपको यहां पे टाइटल डालना है। तो भाई लोग टाइटल आप अपने हिसाब से यहां पे डाल दीजिएगा। तो भाई लोग मेरा फ्री फायर का वीडियो है तो मैं यहां पे डाल देता हूं कि माय फर्स्ट शॉर्ट्स गेम प्ले। तो आप अपने हिसाब से यहां पे टाइटल डाल सकते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो के रिलेटेड ही होना चाहिए ताकि व्यूअर्स को टाइटल से ही पता चले कि वीडियो में क्या है। उसके बाद मैं और एक टाइटल डाल देता हूं जो कि है दोस्तों गेरिना फ्री फायर शॉर्ट्स। तो इसको भी मैंने यहां पे डाल दिया है। तो टाइटल आप जो भी डालेंगे उसी के साथ दोस्तों और एक चीज आपको यहां पे डालना है जो कि है दोस्तों हैज लगा के शॉर्ट्स लिखना है। तो ये काम आपको करना ही करना है नहीं तो आपका शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स पे नहीं जाएगा। जैसे कि भाई लोग यहां पे YouTube से ही रिकमेंड किया गया है कि आपको यहां पे शॉर्ट्स डालना ही है हैज लगा के। उसके बाद यहां पे नीचे विजिबिलिटी के अंदर क्लिक करके आपको यहां पे अनलिस्टेड पे टिक मार्क लगा के अपलोड करना है। दोस्तों आपको यहां पे प्राइवेट
प्राइवेट या फिर पब्लिक करके अपलोड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑडियंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर काइड्स पे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो वीडियो होगा वो यूट्यूब पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड हो रहा है। जैसे कि दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो भाई लोग, आपको अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है दोस्तों YT स्टूडियो। तो यदि आपने अभी तक इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसे आप ओपन करिएगा और अपना यूट्यूब चैनल से इस ऐप को लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे कि भाई लोग, मेरा ब्लॉग चैनल से इस ऐप को मैंने लॉगिन कर लिया है और शॉर्ट्स पे क्लिक करने पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो यहाँ पे है। तो इससे पहले मैंने 16 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो कि यहाँ पे है, जिसका मोनेटाइजेशन भी ऑन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वीडियो अपलोड होने के बाद क्या करना है कि इस वीडियो पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन डालना है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या डालना है, तो भाई लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने वीडियो के अंदर क्या दिखाया है वही आपको यहाँ पे हिंदी में या फिर बंगाली में या फिर इंग्लिश में लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोस्तों आज मैंने क्लैश स्क्वाड के अंदर गेम प्ले किया है जिसका कुछ एक्शन सीन आप लोगों को शॉर्ट्स के अंदर दिखाया है। यदि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो भाई लोग, कुछ इस टाइप से ही आप लोगों को भी अपने वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन डालना है। इसी के साथ दोस्तों नीचे आपको हैच लगा के शॉर्ट्स डाल देना है। तो ये काम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर करना है। इसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन पे प्रेस करना है और अपना वीडियो के लिए टैग डालना है। तो भाई लोग, टैग डालना जरूरी है। टैग से ही दोस्तों आपका वीडियो सर्च लिस्ट में जाएगा। तो भाई लोग, आपके वीडियो के अंदर जो भी आपने दिखाया है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे टैग डालना है। जैसे कि भाई लोग, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी टाइटल आप डालेंगे उस टाइटल को आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि भाई लोग, मैंने अपना दो टाइटल यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद इसी के साथ मैंने ये भी डाला है कि फ्री फायर गेम प्ले। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे और एक टैग में यहाँ पे डाल देता हूँ शॉर्ट गेम प्ले। इसी के साथ दोस्तों आप ऐसे ही अपना टैग के साथ अपने चैनल का नेम भी डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ब्लॉग चैनल का नेम भी डाल दिया है YT सुजन भाई, और YT सुजन अपना नाम भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये काम दोस्तों आपको करना ही है जिससे आप लोगों का वीडियो का रीच बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपका चैनल पहले से ही मोनेटाइज है तो कैसे आप अपने शॉर्ट्स वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं, चलिए भी आप लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि भाई लोग, मेरे ब्लॉग चैनल पहले से मोनेटाइज है। जैसे कि भाई लोग, पहले जो वीडियो मैंने छोड़े हैं उसका मोनेटाइज यहाँ पे ऑन है, लेकिन इसका मोनेटाइज अभी यहाँ पे ऑफ है। तो दोस्तों मोनेटाइजेशन से ही पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो अपना शॉर्ट्स वीडियो के अंदर मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए सिंपली से आपको यहाँ पे अपना यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाना है और यहाँ पे शॉर्ट्स वाले वीडियो पे प्रेस करना है और दोस्तों यहाँ से अपना मोनेटाइजेशन को ऑन कर देना है। दोस्तों यदि आपका चैनल मोनेटाइज है तो ऐसे में ये करना आपको आता होगा, तो आप ये कर लीजिएगा, मतलब मोनेटाइजेशन ऑन कर लीजिएगा। और जिन सारे भाइयों का चैनल अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुए है, मतलब न्यू चैनल है, तो यदि आप नहीं जानते हैं तो भाई लोग, मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए क्या करना होता है कि क्राइटेरिया है उसे पूरा करना होता है। जैसे कि आप सब यहां पे देख सकते हैं कि आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों 1 साल के अंदर 4000 घंटा वॉच टाइम, इसके अलावा 4000 घंटा वॉच टाइम यदि नहीं होते है तो ऐसे में जब शॉर्ट्स वीडियो पे 3 महीने के अंदर 100 लाख व्यूज आ जाते हैं तो इस केस में दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उसके बाद आप पैसे कमा पाएंगे। भाई लोग, शॉर्ट्स वीडियो को ऐसे ही आप रेडी करके अपलोड कीजिएगा, उसके बाद ही दोस्तों आप पब्लिक करिएगा। तो पब्लिक करने के लिए वीडियो पे सिंपली से आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद जहाँ पे अनलिस्टेड है उस पे क्लिक करके आप यहाँ पे पब्लिक पे टिक मार्क लगा के सेव कर दीजिएगा। तो पब्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो वीडियो होगा वो पब्लिक हो जाएगा और सब लोग आपका वीडियो देख पाएंगे। जैसे कि भाई लोग, मेरा वीडियो यहाँ पे पब्लिक हो चुका है तो अभी मेरा वीडियो सब लोग देख पाएंगे। और एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बताना भूल गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इस पे क्लिक करना है। तो यदि आपका गेमिंग वीडियो है तो इस केस में आप यहां पे गेमिंग वाला ऑप्शन पे प्रेस करके सेव कर दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपका जो वीडियो होगा वो गेमिंग की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब ने ये जान लिया है कि अपना गेम प्ले का शॉर्ट्स वीडियो कैसे आप लोग सही तरीके से बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब ने ये भी समझ लिया है कि कैसे आप लोग शॉर्ट्स वीडियो को YouTube पे सही तरीके से छोड़ सकते हैं। सो भाई लोग, आज के इस वीडियो के अंदर बस ये बताना था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और के मन में कोई सवाल होगा तो हम चेक
कमेंट कर दीजिएगा। और जब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई फ्री फायर जानकारी वीडियो आप सबके लिए डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।